Hello everyone, welcome to AS Smart Education. Hope all are doing well. So students, today we are going to discuss about NTA UGC NET Paper 1, and in this lecture we are going to discuss most expected MCQ on Information and Communication Technology, that is ICT unit. Okay? From this unit you are going to receive five different questions, and each question is having a two marks. That means you are going to receive Five question for the 10 marks, and it is easy to get all the question correct from this unit because you will receive direct question from this unit. Okay, so today we are going to discuss the MCK with a complete explanation. So do watch this lecture completely to clear all your doubt about the same, and you will receive my lecture every day on my channel. So before that, if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel. Okay.

अगर हम बात करेंगे आई की तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सेसिंग यूजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट और ये जो है वो इंक्लूड करता है लाइक इंटरनेट एक्सेस को इंक्लूड करता है इंटरनेट ट्रांसमिट डोमिन नेम रजिस्ट्रेशन वेब होस्टिंग ट सर्विसेस को ये इंक्लूड करता है और ये जो है वो एक्सेस पॉइंट और गेट वे है जो की प्रोवाइड करता है यूजर्स को टू एक्सेस एवरीथिंग जो की अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट इससे हम कुछ भी एक्सेस कर सकते है जो भी अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट एक्सेस एवरीथिंग सच ए नेटवर्क कैन ऑल्सो बी कॉल एज अ आई बॉल नेटवर्क इसे हम आईबॉल नेटवर्क भी कहते हैं दैट इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आई एस पी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सो हि इज द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज वॉट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वट इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ दी वेबसाइट यहाँ पर आपको पूछा गया है दिए गए में से कौन सा एक है जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है और कौन सा एक है जो कि वेरी फर्स्ट पेज है ओके okay? जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है होम पेज एंड अ वेब पेज सेकेंड ऑप्शन इज वेबसाइट एंड अ होम पेज थर्ड ऑप्शन इज वेब पेज एंड होम पेज एंड लास्ट ऑप्शन इज वेब एंड अगर हम बात करेंगे आइडेंटिफाई बाय द कॉमन डोमिन पब्लिश ऑन एटलीस्ट वन वेब ब्राउजर अगर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल होगा गूगल फेसबुक एमेजोन और विकीपीडिया ओके okay? देन इज होम पेज होम पेज जो है वो होता है मेन पेज होता है ये जो है वो मेन वेब पेज है ऑफ देबसाइट और टर्म रिफर टू एज अ स्टार्ट पेज शोड ऑन द वेब ब्राउजर एप्लीकेशन इज ओपन मतलब की जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तब जो स्टार्टिंग पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं और अगर हम बात करेंगे वेब पेज की तो ये जो है वो हाइपर टेक्स डॉक्यूमेंट है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है वो हाइपर टेक्स डॉक्यूमेंट है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज आर डिलीवर टू द यूजर एंड डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर एंड द वेबसाइट कंसिडर ऑफ मेनी वेब पेजेस लिंक टूगेदर अंडर द कॉमन डॉमिन नेम तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड द होम पेज इज अ वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट द क्वेश्चन इट वॉट द नेम फॉर द प्रोग्राम और सर्विस दट लेट यू वीव द ई मेल मैसेजेस ओके यहाँ पर आपको ई मेल मैसेजेस के बारे में पूछा गया है और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वेब ब्राउजर अगर हम बात करें वेब ब्राउजर की तो ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है प्लीज रिमेम्बर दिस दैट ये जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओके फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब और अ लोकल वेबसाइट इससे जो है वो हम वर्ल्ड वाइड वेब को मतलब कि डब्ल्यू 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 और लोकल वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं वेन द यूजर रिक्वेस्ट द वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट द वेब ब्राउजर रिट्रीव द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम द वेब सर्वर एंड देन डिस्प्ले द पेज ऑन द यूजर डिवाइसिस सेकेंड ऑप्शन इज ईमेल क्लाइंट ईमेल क्लाइंट्स को हम मेल यूजर एजेंट भी कहते हैं मेल यूजर एजेंट इट्स अ एक्चुअली प्रोग्राम और द एप्लीकेशन दैट वन हैज हिज और हर कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव द मैसेजेस द ईमेल क्लाइंट इज अ यूज टू कंपोज द मेल सेंड देम एंड रीड देम ये जो है वो हम क्यों यूज करते हैं टू कंपोज़ द मेल और हम मेल इसे सेंड करते हैं और रीड भी करते हैं ओके देन इज ईमेल आईडी दिस इज रियली सिंपल वन दैट ईमेल आईडी मतलब कि डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ द मैसेज एंड इट इज यूजुअली एडेड ऑन द मेल सर्वर एंड सेंड योर मैसेजेस आउट ऑफ द बिहाफ ऑन योर मेल क्लाइंट अगर हम एग्जाम्पल देखें ई मेल का तो हम जो है वो मैसेज आई होती है यूनिक मैसेज आई होती है हमारे पास एंड लास्ट ऑप्शन इज इंटरनेट इंटरनेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है दैट कनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर फैसिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड ये जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ईमेल क्लाइंट इज द नेम फॉर द प्रोग्राम और अ सर्विस दैट लेट यू व्यू द ईमेल मैसेजेस द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज प्रोग्राम सजेज मोजिल्ला मोजिला फायरफॉक्स इज अ सर्व एज नेविगेबल विंडोज इन टू द वेब आर कॉल यहाँ पर आपको मोजिला फायरफॉक्स के बारे में पूछा गया है जो कि सर्व करता है एज अ नेविगेबल विंडोज इन टू द वेब इसे हम क्या कहते हैं उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स हाइपर टेक्स जो होता है वो हाइपर लिंक प्रोवाइड करता है जो कि डिस्प्ले होती है हमारे कंप्यूटर पर और जिससे अगर हम क्लिक कर देंगे तो हम मेन डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाते हैं प्रोवाइडिंग द हाइपर लिंक सेकेंड ऑप्शन गिवन इज नेटवर्क और नेटवर्क जो होता है वो कलेक्शन होता है कंप्यूटर सर्वर्स एंड मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइसेस और अदर डिवाइसेस का कनेक्टेड टू द वन अनदर जो कि अलाउ करता है डेटा शेयरिंग को ओके अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे नेटवर्क की तो इट इज अ इंटरनेट व्हिच कनेक्ट द मिलियंस ऑफ पीपल ओवर द वर्ल्ड ओके एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट आई एम एबल टू शेयर माय लेक्चर्स विद यू दैट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क बिकॉज ऑफ द नेटवर्क वी कैन शेयर अवर व्यूज विद ईच अदर राइट थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेट Internet is a global system of interconnected computer network that uses the internet protocol that is IP to communicate between the network and uh, devices. Jo internet is global system. Hai. It is a network of a network that consists of a private, public or a academic network. And the last option is web browsers. वेब ब्राउजर्स जो है वो एप्लीकेशन है जो कि अलाउ करता है यूजर को टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ये जो है वो एक एप्लीकेशन है एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म व्यू विच वन कैन एक्सेस द कनेक्ट अवेलेबल ऑनलाइन दैट इज ओपन द वेबसाइट वॉच द वीडियोज ऑनलाइन स्ट्रीम म्यूजिक शॉप एंड मोर एंड इट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिट्रीव एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर्स ऑन द यूजर स्क्रीन इससे जो है वो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पर सर्च कर सकते हैं राइट तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम्स सर्च एज अ दैट सर्व एज अविगेबल विंडोज इन द वेब आई कॉल्ड वेब ब्राउजर्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय जैसे कि हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क ये जो है वो कौन प्रोवाइड करता है उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लीज लाइन अगर हम बात करेंगे लीज लाइन की तो ये जो है वो एक डेडिकेटेड फिक्स बैंडविड्थ डेटा कनेक्शन है द वर्ल्ड लीज रिफर टू द कनेक्शन रेंटेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली टू द बिजनेस ओके सेकेंड ऑप्शन इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसे जो है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है डी एल डी एस एल ओके और ये जो है वो एक फैमिली है ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूज की जाती है तो ट्रांसफोर्ट द ट्रांसमिट द डिजिटल डेटा ओवर द टेलीफोन लाइन इन दुनिकेशन मार्केटिंग डी टर्म इज़ अंडरस्टूड टू मीन अ अट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दी एस एल ओके द मोस्ट कॉमनली इंस्टॉल डी एस एल टेक्नोलॉजी ऑफ द इंटरनेट एक्सेस थर्ड ऑप्शन इज डिजिटल सिग्नल लाइन डिजिटल सिग्नल लाइन जो है वो यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द डिजिटल सिग्नल्स यूजिंग द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन लिंक ये जो है वो यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट द डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल एंड इट इज अलियर क्लियर दैट डी एस ज अ मैथड यूज टू एक्सेस द डेटा बाई ट्रांसमिटिंग द डिजिटल डेटा यूजिंग द वायर ऑन द लोकल टेलीफोन नेटवर्क एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द मैंशन तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी दिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वॉट कंसिडर द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब नीचे गए में से किसे हम बैकबोन कहते हैं ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब का ओके और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब कि यू आर एल अगर हम बात करेंगे यू आर एल की तो ये जो है वो एक वेब एड्रेस है विच रिफर टू वेब रिसोर्सिस जो कि स्पेसिफाई करता है लोकेशन को ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट सेकेंड ऑप्शन इज हाइपर मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि एच टी एम एल एच टी एम एल जो है वो बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है बाय द वेब ब्राउजर टू रेंडर द पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड एंडक्स अलाउ द यूजर टू क्लिक द लिंक एंड Redirected the web page referred to the by the link. Okay. Third option is hypertext transfer protocol that is HTTP. HTTP jo hai application application layer of protocol in the internet protocols site mode of the distributed collaborated hypermedia information system. HTTP is a foundation of a data communication for a worldwide web where the

From the server to the client on the computer network, and FTP, is a built on the client and the server model, using the separate control and data connection between the client and a server. The World Wide Web uses something called a Hypertext Transfer Protocol, the HTTP, in the web addresses as a basic for communicating and distributing the. मतलब कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन को इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो उसे कनेक्टेड होना चाहिए किससे इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड अगर हम बात करें इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आई ए बी आई ए बी और ये जो है वो एक कम्युनिटी है ऑफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड द एडवाइजरी बॉडी ऑफ द इंटरनेट सोसाइटी एंड ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी द आर्किटेक्चरल ओवरसाइट ऑफ दई टी एफ एक्टिविटीज एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस ओवरसाइट एंड अपील सेकेंड जो ऑप्शन है वो है इंटरनेट सोसाइटी इंटरनेट सोसाइटी जो है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो है आई एस ओ सी और ये जो है वो एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंडेड इन 1992 विद लोकल चैप्टर अराउंड द वर्ल्ड एंड इसका जो मिशन है वो है टू प्रोवाइड टू प्रोमोट ओपन डेवलपमेंट इवेल्यूएशन एंड यूज द इंटरनेट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल थ्रू आउट वर्ल्ड थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आई एस पी ये जो है कंपनी है दट प्रोवाइड वेब एक्सेस टू बोथ Businesses and a uh, consumer and uh, ISP may also provide other services such as uh, email services, domain registration, web hosting, and uh, browser services. Okay, and the uh, last option is none of the mentioned. This question ke liye jo correct answer hoga, wo hoga, option number C to join the internet, the computer has to connect it to the इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो वेब को यूज करने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा एक है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है केबल सेकेंड वन इज डी एस एल थर्ड वन इज डायल अप एंड लास्ट वन इज सैटेलाइट तो यहाँ पर जो डायल अप जो है वो टाइप नहीं है बोर्डबैंड इंटरनेट कनेक्शन का अगर हम बात करेंगे बोर्डबैंड का तो ये जो है वो कॉमनली रिफर टू एज अ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओके जो बोर्डबैंड होता है वो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होता है जो कि ऑलवेज ऑन होता है एंड फास्टर होता है ट्रेडिशनल डायल एक्सेस ओके प्लीज रिमेंबर दैट इट इज स्पीड इंटरनेट एक्सेस और जो बोर्डबैंड होता है वो इंक्लूड करता है सेवरल हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दी एल डीएल डीएसएल केबल मॉडर्न ओके एंड द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द डायलब एंड बोर्डबैंड इंटरनेट कनेक्शन इज माइनर इन विच द कनेक्शन इज अड फ्रॉम दीसी टू द इंटरनेट बोर्ड बैंड इंटरनेट सर्विस इज थ्रूली द मोस्ट यूज फॉर द इंटरनेट एक्सेस बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड हाई एक्सेस स्पीड एंड इट इज अफ वॉर दिफरेंट फोरम दैट इज अ डी एस एल दैट इज अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द फाइबर ऑप्टिक कैबल एंड अटेलाइट तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो कैबल डी एस एल एंड सैटेलाइट जो है वो जो है वो टाइप है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के बट डायलॉग जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी द इंटरनेट विद द डेवलपमेंट ऑफ और इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो है यूजनेट अगर हम बात करेंगे यूजनेट की तो ये जो है एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम है ओके okay, जो कि अवेलेबल होती है कंप्यूटर्स में प्लीज रिमेम्बर दिस दैट इट इज अ एंड ये जो है वो डेवलप की थी फ्रॉम द जनरल पर्पज दैट इज अक्स टू यूनिक्स कॉपी ओके और ये जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1980 में कब एस्ट हुई हुई 1980 में सेकेंड ऑप्शन इज एआर नेट अगर हम उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी प्लीज रिमेम्बर दिस एडवांस रिसर्च Project Agency Network. And this is the first wide area packet uh, package, uh, switch network with distributed control and one of the first network to implement the IP protocol. Okay. Third option is Ethernet. Ethernet is a family of wired computer networking technology. जो कि कॉमनली यूज की जाती है इन द लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज एल ए एन एंड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज एम ए एन एंड वाइट एरिया नेटवर्क दैट इज वैन वी डब्ल्यू ए एन एंड इट इज अ कमर्शियल इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन एटी एंड फर्स्ट स्टैंडाइज इन एटी थ्री एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंट्रानेट एंड इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क जो कि यूज किया जाता है फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इजीयर कम्युनिकेशन कोलैबोरेट टूल्स ऑपरेशनल सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग सर्विसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंटरनेट बिगन विद द डेवलपमेंट ऑफ एआरपीए नेट ये जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पूछा था जहां पर मैंने पूछा था सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प इन एनालाइजिंग मॉनिटरिंग कॉन्फिगरिंग ऑप्टिमाइजिंग सेटिंग एंड मेंटेनिंग द कंप्यूटर आर नोन एज इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो टाइप होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक पर्सनल एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन and each program is a designed to assist the user in a particular program which may be related to the productivity creativity and communication computer program the second option given is utility software यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है टू हेल्प एनालाइज कॉन्फिगराइज ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर और ये जो है वो यूज किया जाता है टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज एम एट डायरेक्टली परफॉर्मिंग द टास्क दैट बेनिफिट ऑर्डिनरी यूजर मतलब कि ये जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके थर्ड ऑप्शन इज ग्रुपवेयर अगर हम बात करेंगे ग्रुपवेयर की तो ये जो है वो एक टाइप है सॉफ्टवेयर का जो कि हेल्प करता है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एंड रीच द कॉमन गोल एंड इफ द वर्क इन अ इफ यू वर्क इन अ ऑफिस सेटिंग यू प्रोबेबली यूज द ग्रुपवेयर ओके अगर कोई भी अगर मानो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो ग्रुपवेयर का यूज वहां पर होता है एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दी अब तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर Students, this is the last question which you have to answer. The question is, the WWW standard allows program on many different computer platform to show the information on a server and such a program are called. of first option is ISP, second option is Web Browsers, third option is Web Servers and last option is Web Modulars. Please try to answer this question. I am waiting for your answer. Till then, keep learning, keep watching.